अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सियासी खेल जमकर चल रहा है। मामले में जितने नेता उतनी भूमिकाएं और बयान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मामले में कोई भी गंभीर कदम उठाते हुए इंसानियत को बचाने की कोशिश करते हुए नहीं दिख रहा। मामले में उत्तर प्रदेश की सियासत भी उबाल पर है और मायावती भी मामले में कूद पड़ी हैं। मायावती की एंट्री के बाद यूपी की सियासत में नया भूचाल आ गया है। मायावती की एंट्री पर बीजेपी सवाल उठा रही है और मायावती मामले में बीजेपी पर ही निशाना साध रही हैं। साथ ही मायावती ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मायावती ने लिखा है कि दिल्ली के दंगे 1984 में हुए सिख दंगों की तरह हैं। एक बार फिर घातक दंगों से दिल्ली दहल गई है। दिल्ली का हादसा दुनिया भर में नेगेटिव चर्चा का सबब बना हुआ है। सत्ताधारी पार्टी और केंद्र सरकार के इस मामले पर विशेष जिम्मेदारी बनती है। मायावती ने कहा कि बीजेपी न खुद ऐसा कोई काम करे और ना ही पार्टी के लोग किसी तरह का उग्र बयान दें जिससे देश में अराजकता का माहौल बने। बीजेपी और इसकी सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में काफी हद तक विफल रही है। इसके चलते दिल्ली में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 लोग घायल हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा है कि दिल्ली के दंगों के पीछे पुलिस प्रशासन की भी कोताही जग जाहिर है। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली में हुए दंगों में जिन लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है उन्हें सहायता दी जाए। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए मायावती ने पत्र में लिखा है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार को आप निर्देशित करें ताकि दंगा पीड़ितों को दर दर भटकने की नौबत न आए। मायावती के इस पत्र पर राष्ट्रपति क्या संज्ञान लेंगे, क्या आदेश देंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती एक बार फिर सुर्खियों में हैं और बीजेपी उन पर निशाना साध रही है, दंगों पर राजनीति चमकाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।